अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में संभागीय अभियोजन कार्यशाला का आयोजन किया गया। मोहन सभागार कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यशाला में कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा मौजूद रहे। कार्यशाला एमपी प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर अविनेश मनहर के निर्देश पर संभागीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस और कोर्ट के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाकर चिन्हित अपराधों में सजा दिलाने में सफलता मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आइए आपको दिखाते हैं आयोजित कार्यशाला और सुनते हैं उद्देश्य और क्या महत्व है। आपके साथ बैठ के तय किया है कि क्या भाषा रहे, क्या इसके कंटेंट रहे, किनको गवाह बनाया जाए, किनको नहीं बनाया। ये हम विभागीय जांच में भी ये काम करते हैं कि अगर उसने अपराध एक किया है तो आरोप एक लगे, आवश्यक नहीं है। आगे से हम लोगों ने ये जब भी कोई बड़ा अपराध हुआ है इस पक्ष में देना, आपको डे टू डे काम करना, गवाहों को बुलाना, गवाहों को नहीं पलटने देना, उनको क्रॉस करना, उनसे बात निकलवाना, ये काफी अदर देन आपके जी। हमारे प्रोसिक्यूशन एमपी प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर श्री अनवेश मंगलम साहब के डायरेक्शन में हम लोगों ने ये संभागी अभियोजन कार्यशाला आज यहाँ पे हुई है, संपन्न हो रही है। इसमें रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब और हमारे एसपी साहब और नगर निगम कमिश्नर साहब मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे पधारे थे, और कलेक्टर साहब ने हम लोगों के काम को अप्रिशिएट किया, और रिस्पेक्टेड एसपी साहब ने भी, जो कि हमेशा से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और पुलिस और प्रोसिक्यूशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको उन्होंने और बेहतर बनाया है, जिसका रिजल्ट भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। जितने हमारे मध्य प्रदेश शासन की एक बहुचर्चित जघन एवं चिन्हित अपराध के समक्ष में जो एक प्रोजेक्ट है उसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता मिल रही है। तो इसी संबंध में रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने यहाँ पे आके चर्चा की और हम सब लोगों का उत्साहवर्धन किया। कार्यशाला का उद्देश्य हम सब लोगों के प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है, और आपस में दूसरे विभाग जैसे और रिस्पेक्टेड कलेक्टर साहब, एसपी साहब और अन्य विभागों के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन करना, और जो नए नए हमारे क्रिमिनल सिस्टम के जो नए नए गाइडलाइंस हैं, नए नए अपराधों के संबंध में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके संबंध में हम सब लोगों को अवेयर करना है।